तो स्वागत है आप सबका। आज हम वैलेंटाइन्स डे पे थोड़ी बहुत कमेंटरी करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबको पता है कि वैलेंटाइन्स डे 14 तारीख को आता है, लेकिन 14 तारीख से पहले एक हफ्ते का एक वार्म अप होता है, तो चलिए पहले उन वार्म अप पे ध्यान देते हैं। तो हफ्ते का पहला दिन शुरू होता है रोज डे। सब आपको क्या लगता है, एक लड़का 12 रुपए का रोज 200 रुपए में खरीद के एक लड़की को क्यों देता है? इसलिए नहीं कि उसका बाप माली है, वो इसलिए देता है ताकि उस लड़की से उसको रोज मिले। लेकिन रोज की बात तो छोड़ ही दो, उस लड़के को उस लड़की के साथ 1 मिनट 12 सेकंड भी नहीं मिलता है, क्योंकि खुद का घर खाली नहीं होता है, लड़की का घर तो कभी भी नहीं खाली होता है। अब कुत्ते थोड़ी ना जो रस्ते भी शुरू हो जाएंगे। और अगर आप एक लड़की को ऐसे पार्क या गार्डन में लेके जाए जहाँ पे आप उसके साथ गुल्लू गुल्लू कर सकते, तो बेंचो उधर बजरंग दल वाले आ जाएंगे। मतलब हम लड़कों की जिंदगी पूरी खराब हो रखी है और हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। खैर इतना कुछ सहने के बाद आता है अगला दिन, जो है प्रपोज डे। मेरे हिसाब से प्रपोज डे हफ्ते का सबसे चुतिया दिन है, क्योंकि आप पूरा साल अपने गर्लफ्रेंड को सोने से पहले, उठने के बाद, हकते वक्त, हिलाते वक्त आई लव यू बोलते रहते हो, लेकिन फिर भी हफ्ते में अलग से प्रपोज डे दे रखा है। और लड़कियां इस दिन को बहुत सीरियस लेती है, चाहे आप उसको पूरा साल ही क्यों ना आई लव यू बोलो, लेकिन अगर आपने उसको प्रपोज डे के दिन आई लव यू नहीं बोला तो भाई आपको 14 तारीख को हिला के ही सोना पड़ेगा, जो आप नहीं चाहोगे। इसलिए आप पूरा दिन उसको आई लव यू करते रहते हो और पूरा दिन इसी में चला जाता है। आता है अगला दिन, जो है चॉकलेट डे। अब चॉकलेट डे का चूतियागिरी ये होता है कि हम ठहरे दोस्त के मुंह से इक्लेयर्स छीन के खाने वाले, लेकिन लड़की जब चॉकलेट मांगती है वो मांगती है फरेरो रोशन। नहीं, फरेरो रोशन मतलब जिसका नाम मुंह से नहीं निकलता उसको अपने मुंह में डालना चाहती है, और बस वही डालना चाहती है और कुछ नहीं। और आप एक चीज गौर कर रहे हैं, जो पूरे हफ्ते का लेन देन होता है ना, इसमें सिर्फ हम देते, हमको कभी कुछ मिलता नहीं है। नहीं मतलब हमने तुमको चॉकलेट दिया उसमें तुम लिपट के हमारे सामने आओ, लेकिन नहीं, बस उसको एक भैंस जैसे खा के अगले दिन हक देना है। लेकिन हम लड़कों का दिल बहुत अच्छा होता है, हम ये सोचते कि लड़की जरूर 14 तारीख के लिए कुछ प्लान कर रही होगी, और हम यही सोचते सोचते पूरा दिन काट देते हैं। और अगला दिन आ जाता है और अगला दिन है टेडी डे। और माँ कसम लड़कियों को टेडी मिलने के बाद उनके साथ जो कुची पुची पू करने लगते ना, पूछो मत। नहीं मैं भी तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरा टेडी भी तेरे लिए टेढ़ा होके खड़ा है, उसके साथ भी थोड़ा कुची पुची पू कर ले, लेकिन नहीं। और बहन जो इसी दुख में एक और दिन खत्म हो जाता है और आता है अगला दिन, जो है प्रॉमिस डे। और प्रॉमिस डे के दिन लड़के जो फेंकते ना, पूछो मत, बेबी मैं ना तुम्हारे साथ सातों के सातों जन्म बिताना चाहता हूँ। वो अलग बात, इस भोसड़ी वाले को भी मालूम है कि इस रिश्ते का 7 महीने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन भाषण तो ऐसे मारेगा कि रोमियो और जूलियट को उसी ने प्यार करना सिखाया है। और सबसे बुरी बात तो ये कि लड़कियों को ऐसे फेकू लड़के पसंद भी होते हैं। खैर अब अगले दिन की तरफ बढ़ते, जो है किस डे। और किस सुन के खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की आके गालों में किस करके जाती है और बोलती बेबी किस तो किस होता है ना, कहीं पे भी करो। नहीं होता है, गालों पे किस किस नहीं होता है, क्योंकि गालों पे तो माँ और बहन भी किस कर दीजिए, तू क्या मेरी बहन है बहनचोद। और उस हिसाब से तो चॉकलेट भी चॉकलेट होता है, चाहे फरेरो रोशन है फलेरो हो। लेकिन नहीं, आप उसको फलेरो दे नहीं पाओगे, क्योंकि फलेरो लेते वक्त वो सुअर के टट्टो जैसी शक्ल बनाएगी जिसको याद करके आप खाना तक नहीं खा पाओगे। लेकिन इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लड़के गालों में किस लेके खुश और सो जाते। और आता है अगला दिन, जो है हग डे। तो हग डे पूरे हफ्ते में ऐसा एक दिन है जहां पे लड़के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सारे लड़कों को हग मिलता है, क्योंकि लड़कियां ये सोचती है हग तो मैं अपने भाई को भी करती हूँ, क्यों ना बॉयफ्रेंड को भाई समझ के हग कर दूं, क्या फर्क पड़ता है। वो अलग बात, लड़कों को ये समझ नहीं आती, इसलिए वो खुशी खुशी सो जाते। और आता है अगला दिन, जो है वैलेंटाइन डे। तो 14 फरवरी वो तारीख है जहाँ पे बहुत सारे लड़के ये सोचते कि वो आज वर्जिन ऑलिव ऑयल से ऑलिव ऑयल बन जाएंगे। लेकिन रुको, 14 तारीख वो भी तारीख है जहाँ पे लड़कियों को अचानक कॉलेज जाना होगा, नहीं तो दोस्त के साथ बाहर जाना होगा, नहीं तो दोस्त के पार्टी में जाना होगा। नहीं मतलब क्या तुम चूतिया हो, तुम कल चली जाओ, पूरा साल पढ़ा है कभी भी चली जाओ, लेकिन 14 तारीख को क्यों? और लड़कियां ये जानबूझ के करती है क्योंकि उनको अपनी वर्जिनिटी अपने पति के लिए बचा के रखनी होती है। अरे मेरी पति चोद गर्लफ्रेंड, तुझे तेरा पति कुछ नहीं बोलेगा, तू आ जा, चाहिए तो मैं ही तेरे से शादी करूंगा, लेकिन तू आ जा। इतने नखरे जलने से अच्छा मैं कहता हूँ कि लड़कियों के मोह माया से दूर रहो और अपने हाथ पे कंसंट्रेट करो, ज्यादा खुश रहोगे। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार। और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।